पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि जड़ावाला के वाक़ पर मसीहियों से माफ़ी मांगता हूँ। लाहौर में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम सीरत रहमत अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। अपने खिताब में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि दहशत गर्दों ने ही पेशावर के चर्च में खून बहाया था। मस्तूंग और हिंगू में बेगुनाह इंसानों का खून बहाया गया। दहशत गर्दों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये कातिल खारजी हैं, उनका मजहब से ताल्लुक नहीं। कौम को आपस में लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। दुनिया जान गई कि भारत ने कनाडा में फसाद फैलाया। डॉक्टर मजीद एबल ने खिताब करते हुए कहा कि मजाहब के दरमियान हम आगे की जरूरत है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए फादर जेम्स चंदन ने कहा है कि मसीही बरादरी दुनिया को मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मस्तोंग और हंगों में दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत करते हैं। हनान अशरफी, आपने नाम सुना होगा, वो हमारे कैथीड्रल में हर इतवार को नमाज पढ़ने आती है और वो फलस्तीन के लिए जैसा वो बोलती है शायद कोई और वैसा नहीं बोल सकता। और अबू अदासल हमारे और हमारे ज्यादा बिशप जो हैं अलकुद्स में वो फलस्तीनी अरब हैं और यहाँ पर आ भी चुकी है मेरी दावत पर। इंशाल्लाह फिर उनको ला सकते हैं जब मौका मिले। तो आज मेरा पैगाम यह है कि दुनिया तकाजा करती है कि हम साबित करें अपने कॉल और फेल से, अपने आप को दिखाकर नहीं बल्कि अपने कामों से हम साबित करें कि हम वो कुछ हैं जैसे खुदा यस्सुल मसीह ने फरमाया, उसी तरह से हम भी करें। हमें हजूर की फरमान से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने बड़ी उनकी अजमत से जिस तरह से उन्होंने मसीहों के साथ सलूक किया या उनको जाना और पहचाना और उनकी शनाख्त को माना, उससे भी कोई एतराज नहीं। लेकिन हमें इस बात से जरूर एतराज है कि आज का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान सबसे पहले उससे नावाकिफ है। क्यों? ये जहालत है। और मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने मदारस में, अपने मसाजिद में, जिस तरह से मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी कलीसियाओं में चर्चिस में करूं, आप भी उस तालीम को आम करें जो हजूर ने फरमाई। और उसका सबूत ये वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मसीहों के नाम लिखा हुआ खत जिसको अखबारात में छापा गया। लेकिन क्या ये सिर्फ अखबारात के लिए है